लेजेटली किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बैंगलोर बीफ होटल स्टाइल बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो घर पर भी आसान के साथ उसी तरह बन के तैयार हो सकती है। तो चलिए आज हम इसको बनाएंगे। बैंगलोर बीफ होटल स्टाइल बिरयानी बनाने के लिए हम लेंगे 1 kg बीफ बोन के साथ, इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे, 1 teaspoon नमक डालेंगे, 1/2 teaspoon हल्दी डालेंगे, 1 liter पानी डाल देंगे, इसकी लिट को ढककर हम 5 से 6 whistles देंगे, या आप अपने गोश्त के हिसाब से whistles दे सकते हैं। अगर गोश्त बहुत ज़्यादा हार्ड है तो 7 से 8 whistles दे दें। बाय द टाइम हम इसका मसाला तैयार करेंगे, इसके लिए हम लेंगे एक पतीला, उसमें डालेंगे तेल 200 ml। तेल गर्म होने के बाद खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। जब गरम मसाले अपने फ्लेवर्स छोड़ दें तो हम इसमें शामिल कर देंगे 400 ग्राम स्लाइस की हुई ऑनियन। अच्छे से इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रही है। अब हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 kg बीफ के लिए 100 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट ठीक होता है होटल स्टाइल बिरयानी में। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 400 ग्राम टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है मैंने। अब इसको दर दराज से ग्राइंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर को भी अच्छे से फ्राई करना होगा जब तक इसकी स्मेल ना चली जाए और इसका कलर बदल ना जाए। अब इसमें डालेंगे नमक हसबे जायका, धनिया पाउडर 2 teaspoon, लाल मिर्चों का पाउडर 2 teaspoon, हल्दी पाउडर 1/4 teaspoon और गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा कप दही डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। कुछ हरी मिर्ची डाल देंगे। कटी हुई हरी धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चॉप करके डाल देंगे। आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि यह मसाला जल ना जाए नीचे से। अब देखते हैं, हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया है तो ये गोश्त उठाकर हम आखिरी में डाल देंगे, यानी इस मसाले में डाल देंगे। सारा कुछ हमने मसाले में डाल दिया है। अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसकी फ्लेम को बंद करके इसको साइड में रख देंगे। जो ये बीफ स्टॉक है उसमें जो है चावल डाल देंगे। होटल स्टाइल बिरयानी में जो है ज़ीरक सांभर राइस इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा और पानी डालकर इसको थोड़ा नमक डालकर मिक्स करेंगे। चेक करते रहेंगे इसको। बहुत जल्दी चावल कुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना होगा इसको। थोड़ा सा जो एक कनी बाकी रह जाती है तो इसकी फ्लेम को बंद करके स्ट्रेन कर देंगे। देखें इस तरह से प्रेस करके देखें। अखनी को अब हम जो है लो फ्लेम पर रखेंगे, इसका जो भी गोश्त है वो निकाल लेंगे।
थोड़ा सा मसाला छोड़ देंगे पतीले में। अब इस पर राइस का लेयर डालेंगे, हल्के से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, ये चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ओवर मिक्स करने से ब्रेक हो जाएगा। ऊपर आधी यखनी डाल देंगे, स्प्रेड करेंगे। फिर राइस डालेंगे, हल्के से स्प्रेड कर लेंगे इसको भी, सारा ये डाल देंगे, स्प्रेड करेंगे, इसको चावल से कवर कर देंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे, केसर येलो है ये, हल्के से मिक्स कर लेंगे इसको भी। थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया और पुदीना डाल देंगे। इसके लिड को ढककर हम कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम देंगे। 10 मिनट गुजर गए हैं, अच्छे से जो स्टीम जमा हुए है थोड़ा नीचे का राइस वो ऊपर लाएंगे, हल्के हल्के से, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना होगा, बस नीचे से ऊपर लाना होगा ताकि ऊपर वाला चावल भी अच्छे से दम हो जाए। और 5 मिनट के लिए दम देंगे। 5 मिनट गुजर गए हैं, हमारी ये होटल स्टाइल बीफ बिरयानी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको गर्मा गर्म निकाल कर सर्व करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बीफ बिरयानी बनके तैयार हुई है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।